35 अरब डॉलर में बिक गया धरती का स्वर्ग। आर्थिक कंगाली से जूझ रही मिस्र सरकार को एक एक करके वहां के प्रमुख शहर बेचने पड़ रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इसी कड़ी में धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले अपने प्रमुख शहर रास अल हिकमा को भी बेच दिया। मिस्र के इस ऐतिहासिक शहर को किसी और देश ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश ने खरीदा है, जिसका नाम संयुक्त अरब अमीरात यूएई है। यूएई ने इसके लिए 35 अरब डॉलर की रकम चुकाई है। रास अल हिकमा समुद्र के किनारे बसा बेहद खूबसूरत शहर है। हालांकि इस शहर को मजबूरी में मिस्र ने बेचा है। रास अल हिकमा पर्यटकों के पसंदीदा स्थान के रूप में भी मशहूर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिस्र के शहर को खरीदने के बाद यूएई वहां कई प्रोजेक्ट पर जल्दी काम शुरू करेगा। यूएई की ओर से रास अल हिकमा में करीब 150 अरब डॉलर के निवेश का प्लान बनाया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट में मिस्र की भी 35% साझेदारी है। अगर यह प्लान कामयाब रहा तो मिस्र के ऐतिहासिक में यह सबसे बड़ा कोई विदेशी निवेश होगा। यूएई के अलावा सऊदी अरब और कतर ने भी मिस्र के कई शहरों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल मिस्र की आर्थिक स्थिति मौजूदा समय में बेहद दयनीय है। यही वजह है कि वह प्रमुख शहरों को बेचने पर मजबूर हो रहा है। मौजूदा सरकार को अन्य देशों में कर्ज भी नहीं मिल रहे हैं। हाल ही में मिस्र ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से कर्ज की गुहार लगाई थी, लेकिन उसे इन दोनों देशों से मायूसी हाथ लगी।